आज हम लोग देखेंगे चैन रूल। चैन रूल की खासियत क्या है कि जब तक डाउन में प्योर एक्स नहीं आएगा ये चैन चलता रहेगा। प्योर एक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर साइन एक्स थ्री एक्स एक्स, ये प्योर एक्स नहीं है, ये भी प्योर एक्स नहीं है, ये भी आपका प्योर एक्स नहीं है। प्योर एक्स कौन है? ये एक्स है जो वो प्योर एक्स है आपका। अच्छा, वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी के बाद एक ब्रैकेट आपको देना है। क्या देना है? ये ब्रैकेट है, क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद नीचे में ट्रायंगल आएगा। देखो जो नीचे में आया वो कहाँ गया? ऊपर गया। फिर नीचे में कौन आया? सर्कल। फिर सर्कल कहाँ गया? ऊपर। फिर नीचे में क्या आया? रेक्टेंगल। फिर ये रेक्टेंगल कहाँ गया? ऊपर। लास्ट में नीचे में एक्स आया। मतलब अगर ऐसा प्योर एक्स मिल जाए तो समझना है मेरा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया और खुशी मनाने का मौका आ गया। जो डाउन में है वो अप जाएगा। ये काम तब तक चलेगा जब तक ऐसा वाला प्योर एक्स ना मिल जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू साइन लॉग टेन ई पे पावर एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। डी उसके बाद क्या बोले थे? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा साइन लॉग टेन एक्स, साइन लॉग टेन एक्स। ये उसके बाद साइन को बंद करेंगे, साइन को बंद किए नीचे में क्या आ जाएगा? लॉग टेन ई पे पावर एक्स। जो नीचे आया वो ऊपर जाएगा, फिर लॉग टेन ई पे पावर एक्स ऊपर। फिर इसको बंद किए लॉग को, बंद का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। फिर नीचे कौन आएगा? टेन ई पे पावर एक्स। फिर ये टेन ई पे पावर एक्स क्या होगा? ये टेन ई पे पावर एक्स ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे कौन आएगा? ई पे पावर एक्स। फिर ई पे पावर एक्स ऊपर गया और नीचे कौन आया? एक्स। ई को बंद किए तो अब खुशी मनाने का मौका आ गया क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बंद किसको किए थे? साइन को। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस। फिर ये खोजेगा एंगल, दीजिए हमको ये नीचे वाला, ये जो है नीचे वाला वो क्या बनता है? एंगल। इसमें ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट से सेपरेशन का पता चलता है। लॉग का डिफ्रेंसिएशन हम पहले बता चुके थे वन बाय डब्बा। सर डब्बा कहाँ से आएगा? तो ये नीचे वाला डब्बा बनता है, तो वन बाय टेन ई पे पावर एक्स। फिर टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, फिर ये भी खोजेगा एंगल, तो ये ई पे पावर एक्स क्या आ जाएगा? एंगल। एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन जैसा का तैसा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू टेन साइन ई एक्स स्क्वायर। इसको सेल्फ करना है, खुद से करना है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू टेन साइन स्क्वायर ई पे पावर एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी के बाद ब्रैकेट, डी के बाद ब्रैकेट। फिर क्वेश्चन, सर नीचे कौन आएगा? तो टेन को बंद किए तो नीचे कौन आया? साइन ई पे पावर एक्स का पूरे पे होल स्क्वायर। फिर ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब ध्यान ये देना है, सर अभी तक तो आप बंद कर रहे थे, यहाँ देखो बेस है और पावर है, बेस वेरिएबल और पावर कॉन्स्टेंट। तो हम बताए थे नीचे में बेस आता है, तो ये बेस हो गया, ये पावर, नीचे में बेस आ गया। फिर नीचे में क्या आया? साइन ई पे पावर एक्स। फिर ये ऊपर चला जाएगा, किसको बंद किए? साइन को, जो दिखाई देगा वो नीचे। फिर जो नीचे आया है वो ऊपर, ई को बंद करेंगे तो एक्स आ जाएगा। टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, और ये एंगल बनेगा। यहाँ बेस और पावर है, पावर आगे, पावर में एक कम। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा। ये क्वेश्चन हम दिए हैं खुद से बनाने के लिए। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स सेल्फ लिखा हुआ है, मतलब ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। टेन क्वेश्चन है, ये बेस पावर। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।
y equal to sine x square, find dy by dx. तो y का differentiation dy by dx, y का differentiation आपका हो गया dy by dx. d यहाँ पे देखिए, ये question है, ये क्या है question, नीचे में कौन आएगा x square, फिर x square ऊपर, नीचे में क्या आएगा x, base और power, तो sine का differentiation cos और power आगे dy by dx. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अगर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 3 10 5 e पे पावर x, एक कांस्टेंट 3 है और दूसरा कांस्टेंट 5 है, तो 3 को